इस तरीके कार में हमने गंदम काश्त बाजरिया ड्रिल की है। चावल कटने के बाद ज़मीन को तैयारी किए बगैर हमने डायरेक्ट ज़ीरो टिलर ड्रिल के अंदर खाद और बीज डाल के इस गंदम को काश्त किया है। और इस गंदम को आप देख रहे हैं कि इसमें हमारा टाइम की बचत हो गई है। हमने जो ही चावल की कटाई की उसके उसी दिन ही गंदम की बुआई कर दी है, जिससे गंदम काश्त करने के लिए जो वक्त बड़ा अहम होता है, अगर उसमें देर की जाए तो गंदम की पैदावार पे बुरा असर पड़ता है। तो अगर हम वक्त पे गंदम की काश्त करें तो उससे हम मैक्सिमम पैदावार ले सकते हैं। और इसके अलावा हमें ज़मीन की जो तैयारी करने के लिए जो ज़मीन पे ख़र्चा आता है तो उसको भी सेव कर सकते हैं। और इसके अलावा इस तरीक़ाकार में हम पानी की बचत भी कर सकते हैं। अगर हम एक इरीगेशन 20 बचा लें तो इससे काफ़ी फार्मर का खर्चा बच जाता है। और इसके अलावा हमारा नेशनल लेवल पे कौमी लेवल पे हम पानी की काफ़ी बचत कर सकते हैं, क्योंकि हमारा चावल का एरिया काफ़ी ज़्यादा है। तकरीबन 2.7 मिलियन हेक्टेयर रकबर चावल काश्त किया जाता है और उसके बाद हम गंदम काश्त करते हैं। अगर हम इस किस्म की टेक्नोलॉजी को प्रमोट करें, इसको हमारे फार्मर्स भाई इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें, तो इससे एक तो पानी की बचत हो सकती है, वक्त पे हम गंदम काश्त कर सकते हैं, गंदम की बढ़ोतरी वक्त पे होके और आखिर में हमारी पैदावार में इजाफे का सबब बन सकती है। और इस तरह हम अपनी पैदावार को बढ़ाने के साथ साथ अपनी ज़मीन की ज़रखेज़ी को बेहतर कर सकते हैं, पानी की बचत कर सकते हैं और जो ख़र्चा है हमारा गंदम की पैदावार पर आता है उसको भी कम से कम किया जा सकता है।